क्या हाल चाल है दोस्तों, ये है आईवू का नया स्मार्टफोन। इसके अंदर BGMI के लिए स्पेशल फीचर डाल रखे। हमने दूर से देखा, इसके अंदर दो चिप लगा रखी और ये BGMI और बाकी गेम 120 FPS पे चला लो। वर्ल्ड का पहला फोन है जो कर पा रहा है। और भी परफॉर्मेंस वाले थोड़े अतरंगी से फीचर ऐड कर रखे, हमने सोचा हम खुद टेस्ट करें। ये वाला है आईकू का नियो 7 प्रो। इससे पहले आ रखा है ये वाला नियो 7 था, ये भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक था, बट इसमें वो ट्राई कर रहे थे सब कुछ करने का। बट इस वाले में भाई जैसी BGMI निकली उनको आईकू जैसे स्टैंडर्ड तिरछा वाला डिजाइन है, वैसी है। ब्लैक बॉक्स है, कवर अपना स्टैंडर्ड वाला, टाइप सी वाली केबल है, हमारा सिम इजेक्टर टूल दे रखा है। वेडिंग रिंग बनानी है कितनी माशू का, उंगलियां थोड़ी पतली होनी पड़ी। 120 वॉट का चार्जर है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी हद तक स्टैंडर्ड ही है, बट हमारा जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो है स्मार्टफोन। दिखने में जैसा भी लग रहा था, बट छूने में भाई काफी थोड़ा सा सॉफ्ट सा टच है। और आपको कैमरे पे भी हो सकता है काफी सिमिलर वाइब लगे, बट हाथ में पकड़ने में पूरा ही ग्लास है। और ये वाला पूरा पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो भी आप बोलना चाहो वो था, बट साइड्स अभी भी पूरी प्लास्टिक की है। बट इस प्राइस पॉइंट पे इसी टाइप का चलता है। इस वाले फोन की भाई एक स्टोरी, इसकी स्टोरी है कि कोई स्टोरी नहीं है। बड़े वाले में ऐसा था कि भाई थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया, और एक नया वेरिएंट लॉन्च करा जा रहा है, फ्लैगशिप वेरिएंट है भाई। वैसे अब तो टेस्टिंग है भाई ना, आवाज अलग पता चलती है रिंग से। बैक साइड में दो कैमरे का सेटअप है, यहाँ पे NIO OIS लिख रखा है। OIS बड़ी बात है, पिछली बार नहीं था। नीचे की साइड पे कैमरा लगा रहा है। इस वाले का एक और वेरिएंट भी आता है। इस वाले में बैक साइड में एक मैट फिनिश वाला ग्लास है, थोड़ा सा ब्लू ब्लू वाली फील देता है, थोड़ा इधर उधर हुआ। इस वाले में पूरा ऐसा वीगन लेदर, मतलब वीगन मतलब खाना ये ना, मेरे को कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। ये जो क्रोम या गोल्डन वाली वाइब है काफी इंटरेस्टिंग था। और मैट टेक्सचर है, हमने स्किन में इतना टेक्सचर डाल डाल के अब टेक्सचर हर जगह पसंद आने लगा। और ओवरऑल बिल्ड जो है वैसे है थोड़ा परफॉर्मेंस सेंटर के, बिल्ड ऐसे लग नहीं रही परफॉर्मेंस सेंटर, एकदम पतला स्लिम ट्रिम। अपना डाइटिंग चल रही है भाई की, तो इसीलिए हम अपने घर वाले स्टूडियो पे शूट कर रहे हैं, वो थोड़ा घरेलू वाला भाई। बट आपको और इन डेप्थ जानना भाई कैसे कैसे चीजें हो रही, कमेंट सेक्शन में बताओ। सोच रहा व्लॉग व्लॉग बनाने, बट व्लॉग इस फोन से बनाने की कोशिश करेंगे। अभी देखो बच्चा जैसे आता है वैसे उसके ऐसे कान छिदवाने पड़ते हैं। सिम डाल देते हैं हम। SIM 1 SIM 2 हाइब्रिड नहीं है, पर इसमें डिस्प्ले 120Hz वाला है, काफी तेज रफ्तार है, फील सा होता है। वैसे एकदम ही अगर गेमिंग टारगेट कर रहा तो हो सकता थोड़ा और तेज डिस्प्ले भाई, 144Hz 165Hz पर अगर गेम चल रहा थोड़ा सा पुश करना हो जाता, बट ठीक है। बेजल भी बतली है, ये वाला नॉच लगा रखा है। और वीडियो में आप शार्पनेस देख रहे हो, कलर देख रहे हो, अपनी पहाड़ी वहाड़ी बढ़िया दिख रही है। और एक चीज और रहेगी, अभी भी फोन की अनबॉक्सिंग में अलग सा मजा आता है। ऐसे डब्बा खोलता हूं ना, फेविकॉल की होती है ना स्मेल। बट इस वाले फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 है। मेरे को एक चीज अच्छी लगी, काफी हद तक एक लाइट ही है UI। इसमें फंटा चोएस डाल रखा है, फंटा चोएस वाले जितने अपने फीचर होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। और हमने जितना यूज करा एकदम ही स्मूथ फील होता है, ऐसा कोई भी लैग कोई भी डिले नहीं फील होता। थोड़ी ना इसके अंदर हॉट चीजें डाल रखी, आजकल गर्मी के मौसम में हॉटनेस अच्छी नहीं लगती भाई, इतनी गर्मी नहीं चाहिए यार। हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बजट वजट में चलो फिर भी मैं बोलूँगा चलता है। मिड रेंज वाला सेगमेंट होता है उसमें भाई प्यारा हल्का फोन जो होता है तेज रफ्तार दो। फंटा चॉइस में अपनी कस्टमाइजेशन, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, थीम वीम डाउनलोड करके आप लगा सकते हो अपने स्वाद अनुसार, यूट्यूब देखना है HDR पे चल जाता है, कलर बूस्ट हो जाता है। 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट आपको आ जाएंगे तो भाई, और 3 साल आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। आवाज किसी की अच्छी होती किसी की नहीं होती। गेम खेलते टाइम भाई अपनी आवाज ही नहीं सुनाई दी, अपना पोपड़ बजा के पीछे से क्या पता चले। आवाज अच्छी है, ऊपर भी है स्टीरियो, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है भाई मान लिया गेमिंग है सारी चीजें। बट भाई गेमर क्या फोटो नहीं खींचेगा क्या भाई, कैमरे में परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कैसे बात चलेगी यार। इसमें बैक साइड में 3 कैमरे का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। और ये वाले सेम स्पेक्स हैं जो आईक्यू 11 में, तो एकदम फ्लैगशिप वाला था, वो महंगा वाला था, तो महंगे वाले का उठा के अपना लगा दिया मैं मिड रेंज के अंदर। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है, सेल्फी डिसेंट आ जाती है, देखो इस वाली लाइटिंग में तो अच्छी आई है, फोटो फ्रेश फोटो आई है, बाल भी खड़े खड़े दिख रहे हैं। बट एक बार थोड़े बाहर बार भी जाके देखेंगे, जैसे तुम आपको एक दो फोटो खींच के दिखाता हूं, एक वाइड में खींच लेते हैं, एक 1x में। कलर्स भाई दीवार के जो सही आ रहे हैं ना वैसे ही इसमें भी आ रहे हैं भाई, इसमें कलर्स वगैरह सही मैच करें। वाइड में थोड़ी डिटेल कम लग रही है, हल्का सा जैसे आपको फील होगा नॉइज हटाने में थोड़ा सा ब्लर ब्लर हो जाता है। और कलर्स में भी वाइड के कलर में और 1x वाले कलर में हल्का सा फर्क है। उसके बाद हमने भाई ऐसे सूरज की भी खींची, ऐसे थोड़ा जूम वूम करके हमने टेक्सचर भी दिखाया, जूड़ बैग का टेक्सचर ये। इस वाले पे भाई हमने और भी फोटो खींची थी, ये शक्ति भाई ने अपने अलग अलग ही फिल्टर लगा लिए थे। ये देखो वो कॉमिक्स, ये पैनोरामा वाला खींचा था इसमें भाई, अलग अलग सबको दिख रहा है। या असली चिड़िया नहीं है नकली। ये वाली फोटो जैसे कि देख सकते हो हमने नाइट मोड में खींची थी, मस्त लग रही है भाई।
ये हमने पोर्ट्रेट मोड में खींची थी, इसमें लाइट्स को मस्त ब्लर कर रखा है, गोल गोल कर रखा है, वो भी काफी प्यारा सा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसा एजेस पे पता चल रहा है, थोड़ा सा वो बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल फोटो ऐसा नहीं बोलूंगा कि डिटेल बहुत ही तगड़ी है, बट ओवरऑल फोटो ना वाइब अच्छी है। तो आपको ना थोड़ा सा ऐसा इंस्टाग्राम या कहीं आप डालोगे लाइक आएंगे। सही लगा भाई, प्राइस के हिसाब से अच्छी फोटो, ये भाई ने भी थम्स अप दे दिया इसमें। जैसे कि आप फोटोज देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग लगी, वो है इसका स्किन कलर, काफी नेचुरल टाइप फील हो रहा है और डिटेल्स भी इस प्राइस पॉइंट पे अच्छी है। मेरी स्किन का टेक्सचर भी देखो, और इसमें पीछे आज जो खिड़की वगैरह भी दिख रही है तो वो भी फेस को ब्राइट रखता है, और पीछे लैंप भी लगा, उसकी भी लाइटिंग वाइटिंग एडजस्ट कर लिया भाई। बैक साइड वाले कैमरे से वैसे 4K बन जाती है, बट अगर OIS आपको ऑन करना है तो 1080p पे ही हो पाता। ये वीडियो देखो, इसमें क्या मस्त थरकते थरकते हम चल रहे हैं, बट वीडियो स्मूथ ही आ रही है। ये वीडियो OIS के साथ रिकॉर्ड हो रही है तो झटके थोड़े कम हो। देखो अगर फ्लैगशिप होता तो हम थोड़ा बोलते कि ये सही नहीं है, बट क्योंकि एक मिड रेंज फोन है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। भाई ये है सुपर नाइट मोड, हमने गुप्त अंधेरे में ले रखी है, तो भाई रोशनी वोशनी अगर कम है तो टेंशन वाली जरूरत नहीं है भाई। ये वाला सेम जगह पर नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड में हमने ले रखी है। कलर्स में थोड़ा सा फर्क आ रहा है अगर हम कैमरे का लेंस स्विच कर रहे हैं, बट फ्रेम बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं, डिटेल्स भी हैं, तो आप मम्मी पापा दीदी भैया सबको फिट कर लो, बट भाई सारी कैमरा वैमरा हमको सही लग रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई ने, डिसअपॉइंट नहीं करा बिल्कुल। बट जिससे हम आकर्षित हुए थे वो था भाई का BGMI वाला फीचर, 120 FPS पे कैसे चल रही है भाई। प्रोसेसर वोसर भी ऐसा कुछ अलग नहीं है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो काफी अलग है क्योंकि एक फ्लैगशिप लेवल वाला प्रोसेसर है जो मिड रेंज में आ रहा है और इस प्राइस पॉइंट में पहली बार आ रखा है, पर इस वाले प्रोसेसर पे भी 90 FPS के ऊपर चली नहीं है BGMI। इन्होंने एक अलग सी चीज ऐड करी, एक अलग से चिप डाली है, सो होता क्या कि गेम वेम में सपोर्ट करता है, बेटर कर देता है गेमिंग। तो भाई ये खाली दिखावा है, ये एक्चुअल होता है, हम चेक कर लेंगे अच्छे से। हमने पूरी चेकिंग करने के लिए यहाँ पे FPS मीटर भी डाला, तो ऑफ कोर्स भाई 8+ Gen 1 में कोई दिक्कत नहीं आई, आपका पूरा स्मूथ चलेगा। वैसे जब तक लोड हो रही है मैं आपको बताता हूँ, LPDDR5 है, UFS 3.1 है, स्टोरेज रैम बढ़िया तेज है, 8+128GB में आता है और 12+256GB। इसमें एक चीज तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो स्मूथ में ना 90 FPS नहीं आ रहा, एक्सट्रीम आ रहा है, बट भाई बता रहे कि चला देगा 120। तो एक बार पहले नॉर्मल भी चला के देखते हैं, थोड़ा और अपग्रेड करके भी देखते हैं। तो बस 60 FPS पे भी अच्छा खासा स्मूथ है भाई। एक को तो लपेट दिया मैंने, एक मैं जादू दिखा, तो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा 60 FPS। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, ओ भाई ये देखो 120 हो गया भाई, हल्का सा तो ज़्यादा लग रहा है। देखो एक बंदे को एक्स्ट्रा ही मार दिया भाई, ये देखो बम प्ले कर रहा है। इसमें वैसे मोड तो और भी है, ई स्पोर्ट्स वाला मोड है, वॉइस आप चेंज कर लो, बैकग्राउंड कॉल वॉल बंद हो जाती है, गेम की डिस्प्ले एनहांस हो जाती है थोड़ी सी, आपको एनिमी थोड़े बेटर दिखेंगे, कस्टम सेटिंग वेटिंग आप बना सकते हो। और इसमें तीन वैसे ऊपर मोड ऐड कर रखे, एक बैटरी सेवर, एक एडवांस्ड, एक मॉन्स्टर। हम तो मॉन्स्टर। देखो होता क्या, ऐसा नहीं कि गेम 120 FPS पे चल रही, गेम 60 FPS पे चल रही, बट स्क्रीन पे 120 FPS में दिख रहा है। तो जो चल रही है गेम वो 60 FPS पे चल रही है, बट आपको ना दिखने में काफी स्मूथ सा लगेगा, डिफरेंट सा फील होता है। बट हाँ भाई, नॉर्मल है स्मार्टफोन से डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क आपको पता चलता है। कुछ चीजें और भी है, इसमें 4D वाइब्रेशन ऐड कर रखा है, तो वो डेफिनेटली फील होता है, जहां से गोली मार रहे हो ना वहीं से आपको ज्यादा फील होगा। एक चीज और काफी इंटरेस्टिंग है, 4013 square mm का इसमें एक कूलिंग चेम्बर है, ये एक्चुअली फोन के हिसाब से काफी बड़ा है, और क्योंकि ये फोन भी काफी पतला था तो मेरे को थोड़ी सी हैरानी हुई। इसमें मोशन कंट्रोल भी, जैसे आप फोन को मूव करोगे वैसे वैसे भाई BGMI में आपका कैरेक्टर मूव होगा, आप गोली गोली मार सकते हो भाई। इसमें साइड करना तो मैं साइड कर लूंगा, फोन टिल्ट करूंगा तो बंदा भी टिल्ट हो जाएगा। बेसिकली आपको बिना बटन दबाए आप ऐसे मूव करके आप प्लेयर को आगे पीछे मूव कर सकते हो। रेसिंग गेम में और सबवे सर्फर हो गया, ऐसे उछाल उछाल के आपको ऐसे फोन को भी उछालना साथ साथ, तो उसमें थोड़ा आपको ज्यादा मजा आएगा, BGMI में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक चीज मेरे को इंटरेस्टिंग है, वैसे है तो स्लिम ट्रिम और इसके कूलिंग में डाल रखे, सर्जी में डाल रखे, बट 5000 mAh बैटरी इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से 5000 mAh सही लग रहा है। देखो मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, मेरे को पर्सनली ये काफी एक बैलेंस्ड गेमिंग स्मार्टफोन वाली इसने फील दी। ये है वैसे काफी परफॉर्मेंस सेंटर, गेमिंग सेंटर, बट बाकी सारी चीजें भी इसमें अपने स्वाद अनुसार बढ़िया दे रखी, कैमरा, डिस्प्ले, स्पीकर, इन सब में परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। गेमिंग और परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट में इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको और कोई दे नहीं पा रहा है इस वाले प्राइस पॉइंट पे, कोई और निकल जाए बाद में तो पता नहीं, बट अभी परफॉर्मेंस में डेफिनेटली एक किलर स्मार्टफोन है, एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको दे रहा है 30,000 के अराउंड में। थोड़ा बहुत ऑफर भी है, आप लोग मतलब खरीदते थोड़ा सस्ता सस्ता पड़ जाए तो मैं आपको सब कुछ ही बता देता हूँ। 4 से 14 जुलाई में इसमें 1 साल का एडिशनल वारंटी आपको मिल जाती है। फोन का एक्चुअल प्राइस है 34,999 का, मतलब 35,000 के अराउंड का बोल सकते हो, बट प्राइम डे पे लॉन्च हो रहा है और उस दिन अगर आप खरीदते हो 32,000 मिल जाएगा, 31,999। तो ओवरऑल भाई इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली काफी तगड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आपको गेमिंग या परफॉर्मेंस सेंटर स्मार्टफोन लेना तो डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। और ये रंग वंग भी भाई इस बार सही मैचिंग करती, तो हमको तो मजा आया। आपको वीडियो देख के आया कि नहीं वो बताना कमेंट सेक्शन में।